वेलकम टू सजीर बाइक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है हीरो कंपनी का सीबीजेड एक्सट्रीम और इस बाइक पर क्या हो रहा है गाइस, करंट नहीं आ रहा है। तो काफ़ी सारे जगह पर बाइक दिखाया है, दिखाने के बाद यानी कि बाइक मेरे पास आया है और बाइक में करंट नहीं आ रहा है, मैंने चेकअप करके दिखाया, एक्चुअली आप लोगों को दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स इस बाइक में एक्चुअली अचानक क्या हुआ है जो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे चीज़ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ जो एक्चुअली हम लोग का जो CDI यूनिट है इसका कपलर अभी लगा हुआ है और इग्निशन भी ऑन है, ठीक है। और आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली बाइक में करंट आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग CDI यूनिट पर चेकअप करेंगे ये एक्चुअली क्या मिसिंग है, वही हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे वोल्टेज, पकड़ो इसको, वोल्टेज के लिए हम लोग EPX करेंगे। ब्लैक में जो रेड कलर की वायर है इसमें हम लोग का वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज हम लोग देखते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, नेगेटिव। तो फ्रेंड्स इग्निशन ऑन है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, एक प्रॉब्लम हमको पता चल गया है, वोल्टेज यहाँ लाना है। अब दूसरा चीज़ चेकअप करेंगे बॉडी अर्थिंग जो ग्राउंड है, ये जो हरा कलर की वायर है इसमें हम लोग बॉडी अर्थिंग मिल रहा है, ओके। अब लास्ट जो है पिकअप कॉइल का रीडिंग चेकअप करेंगे, रीडिंग कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स 124 आ रहा है, यानी कि हम लोग का पिकअप कॉइल भी सही है और ग्राउंड भी सही है, सिर्फ वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको अभी खुला रखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बैटरी का वोल्टेज चेकअप करेंगे, वोल्टेज हम लोग का कितना आ रहा है, 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट है, कोई टेंशन नहीं, बाइक स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग फ्यूज चेकअप करेंगे इसका, बराबर। अब वोल्टेज यहाँ चेकअप करेंगे गाइस, एक नेगेटिव पिन लगाते हैं, 12 वोल्ट, 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 यानी कि हम लोग का रिले भी सही है। अब जाते हैं इग्निशन स्विच पर, चलिए तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे जो बैटरी से हम लोग का फ्यूज होकर वोल्टेज आएगा वही चेकअप करेंगे। एक वायर यहाँ लगा, पकड़ के रखो, एक वायर में वोल्टेज आएगा 12 वोल्ट, अच्छा से ग्राउंड लगाओ, तो फ्रेंड्स यहाँ 5 वोल्ट हो रहा है। देखिए हैंडल को थोड़ा घुमाओ, देखिए यहाँ वोल्टेज हम लोग का मिसिंग हो रहा है गाइस, इसी जगह मिसिंग हो रहा है। तो प्रॉब्लम हम लोग को देखना है वोल्टेज क्यों मिसिंग हो रहा है, 12 वोल्ट एक वायर में आना चाहिए। तो चलिए मैं देखता हूँ, वायरिंग हम लोग को खोलना पड़ेगा, एलिंगी दीजिए 5 नंबर, एक तो हेवर है टाणा का ले आई। वायरिंग का हालात देखो क्या हुआ है, देखिए यहाँ यहाँ जो हम लोग का वोल्टेज का वायर है यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ कटा हुआ है, इसका रीजन से हम लोग का वोल्टेज नहीं जा पा रहा है और बाइक में जो हम लोग का शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट होने का कारण बाइक में वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। तो 12 वोल्टेज अगर परफेक्ट ना मिले तो जैसे कि काम नहीं बनेगा। तो चलो इसे हम लोग खोलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, बहुत ही हालत ख़राब है, देखो इतना मोटा मोटा वायर कट गया है। बाकी वायर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये वायर हम लोग का कटा हुआ है जो वोल्टेज का वायर है। तो चलो इसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं और यहाँ जितना भी समस्या है सब देख लेते हैं, इसको ज्वाइंट यहाँ करना है। तो चलिए आगे आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ ज्वाइंट कर दिया, अब वोल्टेज हम लोग चेकअप करेंगे जो वोल्टेज यहाँ बराबर है कि नहीं। तो 12 वोल्ट यहाँ यानी कि मिल गया है, अब हम लोग चेकअप करेंगे स्विच का, स्विच हम लोग का सही है ख़राब है। तो चलो कंटिन्यू में करके एक बार स्विच को ऑफ ऑन करके देखते हैं, ऑफ करो, ऑन करो, यानी कि स्विच भी हम लोग का बराबर है सही, ठीक है। अब स्विच ऑन करने के बाद दो वायर में हम लोग का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वही चेकअप करेंगे।
वोल्टेज करो। बारह वोल्ट यानी दोनों वायर पे 12 वोल्ट आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ चेकअप करेंगे जो वोल्टेज यहाँ रेड कलर में हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑलरेडी 12 वोल्ट आ चुकी है, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अगर CDI यूनिट हम लोग का सही रहने से ऑटोमेटिक हम लोग का काम बनेगा। तो चलो इस कपलर को लगाते हैं और एक्चुअली आप लोगों को दिखाते हैं। एकदम चट करके करंट आ रहा है, बाइक 100% स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। बंद स्टार्ट। तो चलिए कुछ आप लोगों को डिटेल दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों को क्या दिखाया, हीरो कंपनी का एक्सट्रीम बाइक। अगर आप लोगों का करंट मिसिंग है, बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है, तो आप लोग करंट जैसे कि किस तरह से हम लोग लाए आप लोगों को दिखाया, वही आप लोग फार्मूला यूज कीजिए। जिसमें कि आप लोग CDI का जो कपलर है इसमें आप लोग देखिए, यानी कि 12 वोल्ट इग्निशन ऑन करने के बाद 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। पिकअप कॉइल चेकअप कीजिए, पिकअप कॉइल का रीडिंग 140 के आसपास पे आ रहा है कि नहीं, और बॉडी अर्थिंग आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को पिकअप कॉइल 140 अगर नहीं आ रहा है तो पिकअप कॉइल बदलना है। वोल्टेज नहीं आ रहा तो फ्यूज देखना है, वायरिंग देखना है, इग्निशन स्विच देखना है वोल्टेज के लिए। और ग्राउंड नहीं आ रहा है तो अलग से ग्राउंड देके भी आप लोग काम कर सकते हैं। और ग्राउंड अगर वायर कट जाएगा तो भी ऐसा दिक्कत होता है। तो आप लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिकल मैंने दिखाया, एक्चुअली बाइक को ठीक करके दिखाया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू ब्रिज, ऑल द बेस्ट।